खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं BHBC न्यूज और मैं राजा कुबर। जहां एक तरफ सब खुशियां मना रहे हैं 370 हटने की, वहीं पर तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात का गम मना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 370 ही नहीं पास हुआ है इस बार, कुछ और भी बिल हैं जो पास हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बिल ऐसा पास हुआ है जिसमें कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उन लोगों को नुकसान होगा जो लोग जो है भारत के खिलाफ काम करते हैं, वो लोग जो वहाँ पे पत्थर बरसाया करते थे। वो बिल है UAPA बिल। UAPA बिल क्या है? UAPA बिल है जिसमें जो है आप बिना किसी सरकार की मदद के या फिर बिना किसी कोर्ट में गए हुए जो आप किसी को भी आतंकी घोषित कर सकते हो। जिस तरीके से कश्मीर में पहले कोई भी कानून जो है भारत सरकार का लागू नहीं हो सकता था, 370 हटने के बाद ये UAPA बिल जो है वो कश्मीर में लागू होगा। जैसे ही ये कश्मीर में लागू हो जाएगा, उन लोगों पर लगाम लगनी शुरू हो जाएगी जो बेझिझक पहले पत्थर चलाया करते थे। हमारे जो सैनिक है, हमारे जो फौजी है, जो उनकी रक्षा करते थे, वो उनकी फिक्र नहीं करते थे, उन्हें जो बार बार परेशान करते थे, उन्हें गालियाँ देते थे जब वो उनके इलाके से गुजरते थे। गनीमत है कि वो जो है गाड़ियों से जाते थे। कभी कभी कुछ ऐसे वीडियो भी आए हैं जिनमें वो पैदल वहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनके कपड़े लेकर उन्हें फेंका जा रहा है। अब इस बिल के बाद जो है उन लोगों की हालत क्या होगी वो सोच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग परेशान हैं। यहाँ पर शिवसेना ने यहाँ तक कहा है कि कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जो ये काम करती है, जो आतंकियों की मदद करती है, उन लोगों को भी सजा होना चाहिए। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि महबूबा मुफ्ती को भी जो है इसी बिल के तहत अब गिरफ्तार करना चाहिए। ये थोड़ी सी उन्होंने ज़्यादा बात कर दी है, परंतु अगर वाकई में कोई राजनीतिक पार्टी भी अगर ऐसा काम करती है, कोई राजनीतिक नेता ऐसा काम करता है, तो उसके ऊपर भी ये बिल लागू होगा। पहले जिस तरीके से कश्मीर में कोई भी भारतीय सरकार या संविधान का हमारा बिल लागू नहीं होता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो थे वहाँ पे ऐसे उपद्रवी लोग थे जो सरकार के खिलाफ काम करते थे, देश के खिलाफ काम करते थे, आतंकवादियों का साथ देते थे, पत्थरबाजों का साथ देते थे और सैनिक और हमारे जो फौजी हैं उनको नुकसान पहुँचाते थे। अब जो है इस बिल के आने के बाद से और 370 के हटने के बाद से उन लोगों की खैर नहीं है। वो लोग जो हैं जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते थे, अब वो सारे के सारे लोग जो है जेल में होंगे और इस बिल के तहत आतंकी घोषित हो जाएंगे। इसलिए अब लोगों को संभल के रहना होगा, अब लोगों को देख के रहना होगा, इसलिए भी कुछ लोग परेशान हैं। हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। आज एक दुखद समाचार ये भी है कि सुषमा स्वराज जी, जो एक बहुत बड़ी नेता थी, उनका भी निधन हो गया। उसकी भी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक महान नेता सुषमा स्वराज जो है हमारे बीच नहीं रही, कैसे जो है उनका ये सफ़र रहा था, क्या उनका राजनीतिक सफ़र रहा था, ये सब जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक आप देखते रहिए BHBC न्यूज। धन्यवाद। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन।